नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं रौनित, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉन्ग कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं गिप्पी ग्रेवाल के नए गाने पर और ये है सूरज। तो ये है गिप्पी ग्रेवाल फीट शिंडा एंड ऑल्सो नवप्रीत बंगा। सो लेट्स सी व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट। ये वीडियो थोड़ा सा इमोशनल है, आशा करता हूँ इमोशनल ज़्यादा ना हो जाओ। आपको तो पता मैं कितना इमोशनल बंदा हूँ, बात बात पर रो देता हूँ। तो ये गाना मुझे यू नो इट बेटर नॉट मेक मी सैड। So here is my reaction to Suraj official video in 3, 2, 1 and go. He looks great with his beard. Oh Johnny, beat prep of course. Sing to you. Bas, bahut ho gaya. Main jinna sehna si. सह लिया है, तू जो कहना सी कह लिया है, बस सुन चुप मेरी सुन। तैनू पता है तैनू मार देण नू ते फिर मेरा खुद मर जाण नू बड़ा ही जी करता है। पता है क्यों? मैं सूरज वांगू पूरा से तेरे नाल मिलण तो पहला तू मिली ते चन दे वांगू अद्धा रह गया। मैं सूरज वांगू पूरा सी तेरे नाल मिलण तो पहला तू मिली ते चन दे वांगू अद्धा रह गया। तेनू वफा दा जान करदे करदे तेरे पीछे मरदे मरदे सच ब्रेकी गाने तू मैं अक के बह गया। मैं सूरज वांगू पूरा सी तेरे नाल मिलण तो पहला तू मिली ते चन दे वांगू अद्धा रह गया। मैं सूरज वांगू पूरा सी तेरे नाल मिलण तो पहला तू मिली ते चन दे वांगू अद्धा रह गया। वाओ, ब्यूटीफुल प्लेस। गिप्पी पाजी की आवाज। पता है लोगों को क्या मिलता है हार्ट ब्रेक करने के बाद। गॉड, सोच नहीं सकता उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। कदर करे तो कब्र मिली है कब्रा दे विच यार। कदर करे तो कदर मिली ना प्यार दे बदले प्यार। कदर करे तो कब्र मिली है कब्रा दे विच यार। क्या बात, छड़ के तू नहीं जा सकना कोई होर करे नहीं ला सकना। जानी नू ए हो सी भुलेखा पै गया। Oh my god! तू वेचिया ते पता लग्या के ईमान भी इदां वेख सकदा। तेरे मुंह ते लिखिया बेवफा हुण कदे नहीं मिट सकदा। चल दिल ते मेरा नहीं रखिया, एक गल जरूर रखी, ए बेवफा मेरे बच्चे नूं तू तैथों दूर रखी, तू तैथों दूर रखी।
True. Wow. Wow, what a video, guys. Thank you very much हर एक बंदे को जिसने मुझे रिकमेंड किया इस वीडियो को. एंड बहुत इमोशनल वीडियो है, सीरियस वीडियो है. और पता नहीं, शायद मेरे सारे आंसू सूख गए रो रो के, शायद इसलिए मैं रोया नहीं आज. और लेकिन ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि ऐसा कभी होता है. मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता है कभी कभार. शादी करने के बाद, प्यार होने के बाद, आपको लगता है कि शायद आप उन इंसान के साथ ठीक नहीं है, खुश नहीं है. लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप उससे निकल के कहीं और जाना चाहते हैं, किसी और से आपको प्यार हो गया है, सच सच बता दीजिए उसे, बता दीजिए कि आप उनके लिए वो फील नहीं करते. उनको तड़पाने की जगह, उनको झूठ बोलने की जगह, उनके पीठ पीछे ऐसा खिलवाड़ करने की जगह आप निकल जाइए उनकी ज़िंदगी से. हाँ, बहुत बुरा लगेगा उन्हें, उनका दिल टूट जाएगा, वो कभी शायद इस सदमे से उठ ना पाए. लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये तो पता चलेगा कि आपने उनको सच बताया, झूठ का सहारा नहीं लिया. इस बंदी ने क्या किया, एक तो धोखा दिया उसके ऊपर जब उसने कन्फ्रंट करने की कोशिश की जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा था, वो मानने भी नहीं वाले थे, तब उन्होंने उसको खून कर दिया. अपने खुद के हस्बैंड का, जिनके साथ इतने साल उन्हें बिताया है, जिनके साथ उनका खुद का बच्चा है, एटलीस्ट बच्चे के बारे में तो सोचते है ना. तो बच्चे के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने चिल्ड्रन के ऊपर कुछ नहीं रखना चाहिए, उनके बारे में सोचकर ही हमें आगे चलना चाहिए. अगर आप खुश नहीं हैं तो ठीक है, डिवोर्स ले लीजिए, लेकिन इस तरह की बदतमीजी, इस तरह की बेवफाई ना कीजिए. तो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है इस वीडियो के थ्रू. कुडोस टू गिप्पी ग्रेवाल. और जो लोग ऐसे सगमे से गुजर रहे हैं, जिनके साथ ऐसा होता है, मैं उनके लिए, मेरे दिल से दुआ रहेगी, उनसे यही मन्नत रहेगी कि वो लोग वो लोग खुश हो सके किसी ना किसी तरीके से. और ऐसा फेट किसी के साथ नहीं. तो आई रियली एंजॉयड दिस सॉन्ग. एंजॉयड इन द सेंस, एंजॉय मतलब जो डांस वाला, भंगड़े वाला तो डांस नहीं है, ये वाला गाना नहीं है, लेकिन इमोशनल होने के साथ भी एक सुंदर एक मैसेज है और दिल को छूता है आपको. और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज वाला है, पावरफुल वीडियो. तो गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो रिएक्शन एंजॉय किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, नीचे कमेंट डालना मत भूलिएगा, आपके सजेशन डालते रहिए. सबसे ज़्यादा लाइक मिलने वाले कमेंट में मैं हर हफ्ते रिएक्ट करूंगा, और अगले हफ्ते से दो दो रिएक्शन किसी भी एक दिन आएगा पंजाबी. याद रखिएगा, आप लोग मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए चलो.